बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन-ए-किराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर पाकिस्तान की अफवाज के तर्जमान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खामोशी तोड़ी है और बहुत से मामलात पर पाकिस्तान की अफवाज का मौकफ, जिसका पूरी कौम को इंतजार था, अब वो मौकफ आ चुका है। एक जानिब तो पाक फौज के शहदा के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, उस मामले में एक बड़ा सख्त मौकफ आया है, लेकिन सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से जो रीसेंट ड्रोन अटैक हुआ है अफगानिस्तान में, और उसमें पाकिस्तान की एयर स्पेस के इस्तेमाल होने की बातें हो रही थी, बहुत से सवालात उठ रहे थे, बहुत सी उंगलियां इस वक्त डायरेक्टली पॉइंट कर रही हैं पाकिस्तान की रियासत और रियासत के तमाम तर स्टेक होल्डर्स की तरफ, उस पर खामोशी तोड़ी गई है। और यह मुतालिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आया था कि आप आए और बताएं अपना मौकफ कि आपने क्या पाकिस्तान की सरजमीन का सौदा किया है या नहीं, और अब यह मुतालिबा भी पूरा कर दिया गया है। इसमें कुछ चीजों को आपने समझ लेना है। एक जानिब तो एक पूरा मंसूबा लॉन्च किया जा रहा है इमरान खान को पाकिस्तान की अफवाज से लड़ाने के लिए, इमरान खान की इमेज को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अभी आप रीसेंट इंसिडेंट को देख लें जो क्वेटा के अंदर बलूचिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। यकीन माने अल्फाज नहीं है मेरे पास जिनसे इस कर्ब और तकलीफ का इजहार कर सकूं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ उस हेलीकॉप्टर हादसे में। लेकिन इसके बाद कुछ अकाउंट से, जिन अकाउंट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद अकाउंट्स जिन्होंने कोई ऐसी बात कही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से उन्हें ब्लॉक भी करने का कहा गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, जिन्होंने शहीदों के बारे में अजीबो गरीब बकवासियात की। अभी सब में पूरी कौम ने जिस तरह से अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश किया, पूरी कौम दुखी हुई और इनके लिए सीसा पलाई दीवार बन गई। इससे पहले भी ऐसा होता किया जाता रहा है। फिर हामिद मीर और सलीम साफी को लॉन्च किया गया, जिन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी के जवानों के जनाजों में आना था, मगर उन्हें नहीं आने दिया गया क्योंकि फैमिलीज में PTI के हवाले से बड़ी नफरत पाई जा रही है, वो बड़े तपे हुए हैं फौज के अंदर कि इमरान खान और PTI हमारी कुर्बानियों का कोई सिला नहीं दे रहे, हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं। अलबत्ता खान साहब ने जाकर वहां इनका सारा प्रोपोगंडा खत्म कर दिया और जनरल सरफराज के अहले खाना से मुलाकात खान ने की, उनके बेटे से जो खुद कैप्टन है पाक फौज के अंदर, उनसे भी मुलाकात की, ताजियत की और पूरी कौम के जज्बात की अक्कासी की। अब तो ये एक तो ये चीज है जिस पर पाकिस्तान की अफवाज का वाज़े मौकफ आया है, और दूसरी जानब जो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर बहुत ही ज्यादा कंसर्न है, आप भी कंसर्न होंगे, मैं भी बहुत ज्यादा कंसर्न था, मैंने अपनी वीडियोस में बैक टू बैक कहा कि हमें मौकफ चाहिए, यह नहीं कि फलां की तरफ से एक ज़राए ने बात कह दी, वाजे दो टोक ऑफिशियल मौकफ जिसे आप कहते हैं वो बहुत जरूरी था। तो वो मौकफ भी अब आ चुका है और पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से जो मामलात हैं उनकी भी वजाहत इस वक्त हो चुकी है। इस वक्त सोशल मीडिया के हवाले से DGISPR ने यह बात वाजे कर दी है कि सोशल मीडिया पर जो मनफी और अजीबो गरीब प्रोपोगंडा, और 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ की कार्रवाइयों में मसरूफ था और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली खुद फ्लड रिलीफ की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लसबेला के करीब खराब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और 1 अगस्त के बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे। इस बयान की वजह यह है कि इस सानहे के बाद सोशल मीडिया पर गलत और लघु प्रोपोगंडा हुआ, ये प्रोपोगंडा और इस तरह की क्या सराइयां करना बहुत ही हसास था। इस प्रोपोगंडे से इदारे और शहदा के लवाहिकीन को दुख और तकलीफ पहुंची। फिर उन्होंने कहा कि पूरी कौम जिस तरह से शहदा के साथ खड़ी हुई, कौम का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगंडा शुरू हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे अनासिर को मुस्तरद करने की जरूरत है। नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि मैंने उस टाइम पर भी दो बातें की थी, एक तो शहीदों पर जो बात हो रही है, दूसरा BLA वालों ने जिम्मेदारी कबूल की, वो कौन होते हैं ये करने वाले, तीसरा इसके अंदर ये बात की जा रही थी कि रजीम चेंज ऑपरेशन के मुखालिफ थे। तो इस तरह की बातें मार्केट में आ रही थी जिनसे क्या सराइयों को हवा मिले।
ये वो बड़ा सेंसिटिव और डेलिकेटेड मैटर है जिस पर सोच समझकर बोलना चाहिए। सियासी तौर पर इख्तलाफात, पॉलिसी से इख्तलाफात जरूर होंगे, बार बार होंगे, जब होंगे बिला खौफ व खतर हम बात करेंगे और तनकीद बराए इसलाह करते आए हैं, कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। देखें, हम सबका एक कॉमन गोल है और वो कॉमन गोल है पाकिस्तान। हम इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते। वो जैसे कहते हैं कि ना अहले तख्त ना उनके मुखालिफिन के साथ, मेरी हैं सारी वफादारियां जमीन के साथ। और यही आइडियोलॉजी इमरान खान की भी है। अब दूसरे मामले की बात करते हैं जिसमें उन्होंने वजाहत दी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। DGISPR ने कहा कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में आलमी दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के सरबराह की हलाकत के हवाले से तर्जमान पाक फौज ने ऑफिशियल मौकफ दिया है कि एमन अज़वाहिरी वाके पर वजारत खारजा ने बहुत वाज़े बयान जारी कर दिया, जिसके बाद सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई हो। अच्छा, इससे पहले आपको पता है कि DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बात कही थी कि अड्डे देने का हमसे मुतालिबा नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो मुतालिबे का जवाब एब्सोल्युटली नॉट ही होगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसके अंदर वजारत खारजा का क्या बयान है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वजारत खारजा ने कहा कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल होने के कोई शवाहिद नहीं मिले और अमरीका ने भी इस पर कोई खामोशी नहीं तोड़ी। जाहिर है वो अपने ऑपरेशंस क्यों बताए, वो तो पूरी दुनिया का ठेकेदार है। बहरहाल ज़राए का कहना है कि किर्गिस्तान से ये हमला हुआ, कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को भी मौरदे इल्जाम ठहराया। फिर इस दौरान कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, मसलन आर्मी चीफ की वेंडी शर्मन से कॉल थी, उसके बाद आर्मी चीफ की अमरीकी सेंट काम के कमांडर के साथ टेलीफोनिक रब्ता था, फिर यह मामला हुआ, फिर डॉलर की कीमत अचानक नीचे आना शुरू हो गई। एक हफ्ता पहले मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया कि एक शर्त रह गई है IMF की, बाकी शरायत हमने सारी पूरी कर दी है। उसके बाद ये वाकया हुआ तो ये कह दिया गया कि सारी शरायत पूरी हो गई। तो ये कुछ कड़ियां थी जो मिलाई जा रही थी और इस पर मौकफ आना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब हम किसी और की जंग में जाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब इसमें इन्होंने मजीद कहा कि क्या सराइयों और इस तरह की चीजों से इज्तनाब करना चाहिए, जिसका जो दिल करता है वो लिख देता है, बेजा किस्म का बयान दिया जाता है जिसके कोई सबूत नहीं होते और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुल्क और कौम का होता है। उनका कहना था कि इस सारे मामले के अंदर बार बार किसी बयान की तुक नहीं बनती। जब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कह दिया, यानी कि इसके पीछे मुक्तदर हलकों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, आर्मी ने उस बयान की तस्दीक कर दी, क्योंकि वजारत खारजा एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, लेकिन हमारे जमीनी हकायक बहुत मुख्तलिफ हैं, इस वजह से कोई एतबार नहीं करता। अब इस सब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालिबा किया था कि हम वजाहत चाहते हैं एमन अज़वाहिरी के मारे जाने पर कि क्या हमारी सरजमीन फिजाई हदूद या सरजमीन इस्तेमाल हुई या नहीं। तो सरजमीन के हवाले से DGISPR ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि जमीन इस्तेमाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की तरफ से भी यही मौकफ आया कि हमने पहले ही जंगों के अंदर शिरकत करके बहुत भारी कीमत अदा की है, तो अब ये कीमत हम अदा नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी अहम बरवक्त स्टेटमेंट थी। देखें, इस इंपोर्टेड हुकूमत पर किसी को एतबार नहीं है, ये तो अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत पहले भी बेचते आए हैं और अब भी बेचेंगे, लेकिन मुक्तदर हलकों और फौज का मामला मुख्तलिफ है, कुछ रेड लाइंस हैं। कौम ने सवाल किया है और ये किसी का हक नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी दुश्मन को इस्तेमाल करने की इजाजत दे, और ना ही इस तरह का मामला आइंदा भी होना चाहिए। और इस वक्त इंपोर्टेड रजीम आ ही गई है तो इस पर भी पैरा देने का रियासत का एक मैकेनिज्म होता है और उसे एक्टिव रहना चाहिए, और जब ऐसे हुक्मरान हो तो फिर और ज्यादा जागने की जरूरत होती है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।